मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ करने का दौर लगातार जारी दिख रहा है। इसी के चलते खरगोन जिले के ग्राम सेगांव में कृषि उपज मंडी में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के तहत जय किसान ऋण माफी योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री सचिन यादव, स्थानीय विधायक केदार डावर, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल डावर सहित जिला कलेक्टर गोपाल चंद्र दाट, प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। इस दौरान कृषि मंत्री सचिन यादव ने बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें बुलंदी के शिखर पर पहुंचाने की बात कही। वहीं कृषि मंत्री ने प्रदेश भर के किसानों को विश्वास दिलाया कि कर्ज माफी योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को लाभ दिलाया जाएगा। इस मौके पर यादव ने किसानों को कर्ज ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए, साथ ही किसानों को अनुदान पर दिए जाने वाले ट्रैक्टरों का वितरण भी किया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बहुत जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे जो झुंझुनिया का जो बेल्ट है, झुंझुनिया के बेल्ट में जो है हमारे सिंचाई उद्यान का जो लाभ जो है हमारे किसान साथियों को जो है मिलने जा रहा है। आदरणीय साथियों, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसपे हमारी सरकार, हमारा विभाग आदरणीय साथियों काम कर रहा है, हम लोग आप लोग देखते हैं कि जब मेरा किसान भाई, मेरा अन्नदाता अपनी फसल, अपनी उपज लेकर के अपने खेत से, कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की थी और अपने वचन पत्र में लिया था कि हम 10 दिन के भीतर 2 लाख तक के कर्ज मुक्ति हमारे प्रदेश के किसानों की करें और आप सब उसके सहभागी हैं कि पहले चरण के कर्ज माफी के बाद आज ये दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। मार्च के अंतिम समय तक तीसरा चरण भी हो जाएगा, ये 2 लाख तक का कर्ज माफ हो जाएगा। ये मैं आप सबकी ओर से, विधानसभा क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार के सारे मंत्रियों को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो गरीबों के लिए इतनी बड़ी योजना का शुभारंभ किया और उसको लागू किया। पैसा कहां से लाए, किधर से लाए और वचन को कैसे निभा रहा है अगर सीखना है तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। 100% कांग्रेस के विधायक अपने जिता के भेजे, क्योंकि कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है तो घोषणा पत्र लेके जाती है, वो घोषणा पत्र जिसमें सरकार बनने के बाद हम लोग क्या क्या काम करेंगे। लेकिन ये पहली सरकार है जिसे प्रदेश के हमारे जो मुखिया है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय पचौरी भाई, इन्होंने घोषणा पत्र का नाम वचन पत्र दिया। और भारतीय संस्कृति में वचन देना बहुत बड़ी बात होती है और उससे ज्यादा बड़ी बात वचन को निभाना होता है। तो ये वचन आदरणीय कमलनाथ जी निभा रहे हैं और इसी के माध्यम से व्यवस्था प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में मिला खदान बजाएगी, इसी तरह से तितरानिया में भी अपना ग्रिड बन के तैयार है, उसको भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। इसी तरह से जामली में, डसल गांव में, अभापुरी में ग्रिड शुरू होने के बाद हमारे किसानों को बिजली की व्यवस्था आसानी से मिल रही है। ये कांग्रेस की सरकार है जहाँ किसानों पे चोरी के इल्जाम है किसी के, आप सब जानते हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बने वैसे उन्होंने 300 से 600 की राशि बढ़ाई है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपए, 48,000 हमारी बेटियों के खाते में जाने की व्यवस्था भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। साथ ही हमारे मित्र पोर्टल खुला है, हमारे पहाड़ी अंचल के जितने किसान जिनके पट्टे बाकी हैं, पोर्टल के माध्यम से जितने विवादित या जिनको पट्टे नहीं मिले हैं उसमें उनको ऑनलाइन करा दिया है। आने वाले दिनों में जल्दी ही सारे किसान जिनके पट्टे बाकी हैं सबको पट्टे मिलने वाले हैं। और हमारे आदिवासी भाइयों को मदद योजना के माध्यम से हर परिवार में किसी की मृत्यु होगी तो 1 क्विंटल अनाज और साथ ही बच्चे के जन्म पर 50 किलो अनाज मिलने वाला है और मिलना शुरू हो गया है। ये मदद योजना है जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों को मिल रहा है। इसके साथ ही हर गांव में 25,000 के बर्तन, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये
का ये सोच है कि हमारे जो प्रदेश है, हमारे प्रदेश में हर जिले की जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसलों को चिन्हित करके उनकी ब्रांडिंग की जाए और उनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं जो है स्थापित की जाए, चाहे वो प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो स्टोरेज की व्यवस्था हो, ऐसी सभी व्यवस्थाएं स्थापित की जाए और साथ ही साथ विषय विशेषज्ञों को बुला करके उस फसल से जुड़े हुए जो तकनीकी लोग हैं उनको बुला करके, साइंटिस्ट को बुला करके, हमारे किसान साथियों को जो नई नई तकनीकें जो कृषि के क्षेत्र में आ रही हैं उसकी जानकारी भी दें, उसके बारे में उनको जागृत करने का काम किया जाएगा। उसी तारतम्य में ये दूसरा आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला आयोजन हमने छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल के रूप में हमने करा था। दूसरा जो आयोजन है हम लोग कसरावद में जो है चिली फेस्टिवल के रूप में हम लोग करने जा रहे हैं और उस फेस्टिवल के माध्यम से सभी जो हितधारक हैं उन सभी हितधारकों को जो है हमारे इस निमाड़ की जो मिर्ची है, उस मिर्ची जो कि पूरे प्रदेश देश प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में जो है अपनी एक पहचान बनाई हुई है, उसको और उसकी हम लोग कैसे ब्रांडिंग कर सके, उस दिशा में उस सोच को लेकर के जो है इस चिली फेस्टिवल का जो है आयोजन कसरा में किया। मुख्यमंत्री जी का आगमन हो सकता है, अनुरोध करा है मुख्यमंत्री जी से, अगर उनके पास समय होगा तो निश्चित रूप से होगा। देखिए 2018 के विधानसभा के चुनाव में हमने मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को जो वचन दिया था उस वचन को पूरा करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारा विभाग काम कर रहा है। हमने ये जो ऋण माफी का कार्यक्रम है उसको चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। प्रथम चरण में हमारी सरकार ने 20 लाख से अधिक किसानों को लगभग 7,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ करने का काम किया। प्रथम चरण में उन किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जिनके कालातीत खाते थे उनका पूरा 2 लाख तक का ऋण माफ करने का काम किया गया और जिनके चालू खाते थे उनको 50,000 तक का ऋण माफी का लाभ देने का काम किया गया। दूसरा चरण की शुरुआत हमने करी है और इस चरण में उन किसानों को लाभान्वित करने का काम किया जाएगा जिनके चालू खाते हैं उनको 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख तक का जिनका ऋण है उनको इसका लाभ दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी कारण से मेरा कोई किसान भाई जिनके कालातीत खाते थे प्रथम चरण में वो रह गया था तो उसके खाते में कुछ जो भी त्रुटियां थी उन सभी त्रुटियों में सुधार करके दूसरे चरण में उनको भी इस योजना का लाभ देने का। लागत मूल्य दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है, आपने यहाँ पे मंत्री से बताया किस प्रकार का लाभ दिया। देखिए विभिन्न आज हमारे सरकार की जो सोच है कि हमारे किसान साथियों को जो उनकी मेहनत है, उनकी जो उपज है, उनकी फसल है, उसके सही दाम मिले, सही मोल मिले और साथ ही साथ उसके लिए नए बाजार तलाशे जाएं, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने हमारी सरकार ने विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं हमने हमारे सरकार ने लागू करी हैं और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पर अक्सर हमने ये देखने को मिला है कि किसान साथियों को मजबूरी में जो है अपनी उपज को जब मंडी प्रांगण में आता है तो कम दामों में बेच करके जाना पड़ता है। अब उसी स्थिति से निपटने के लिए हमने एक योजना हमने बनाई है जहाँ पर किसान साथी जो है जब ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो 4 महीने तक जो हमारी जो मंडी प्रांगण है उसके 15 किलोमीटर के रेडियस में जो भी भंडारण की व्यवस्था होंगी, भंडार के जो गोडाउन होंगे वहाँ पर किसान 4 महीने तक अपनी फसल को रख सकता है और उस 4 महीने का जो भी गोडाउन का किराया होगा वो सरकार वहन करेगी और जब 4 महीने के अंतराल में जब हमारे किसान साथी को लगेगा कि बाजार में उसकी उम्मीद के अनुसार जो है उसकी फसल के दाम मिल रहे हैं तो उसको बेच सकेगा और इन 4 महीनों में अगर किसान साथी को किसी ऋण की आवश्यकता पड़ती है, किसी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो उस फसल के एवज में, उस भंडारित फसल के एवज में जो है उसको ऋण दिलाने का काम भी जो है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।